हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी शाम के 6 बजे हैं और अभी हम लोग इवनिंग वॉक पे निकले। तो आज मैं आप लोगों को मेरा ब्यूटीफुल नेबरहुड दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये मेरा अपार्टमेंट है जिसमें मैं रहती हूँ और ये पार्किंग है। अभी इवनिंग का वेदर बहुत ही अच्छा है, तो हमने सोचा क्यों ना वॉक पे जाया जाए। और मेरे इधर नेबरहुड में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने लायक, तो मैंने सोचा कि इसलिए आप लोगों को भी एक छोटा सा टूर दे दूँ। और ये हमारे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, तो आज हम इस पार्क में जा रहे हैं वॉक पे। और ये सामने मेरे घर दिख रहा है, इसी अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ। हमारे पार्क में एक बहुत ही सुंदर स्केटिंग एरिया है जिसमें अक्सर भीड़ लगी रहती है। सुबह से शाम तक इसमें कोई ना कोई होता ही है। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा पार्क का अच्छा सा व्यू आ रहा है। अब मैं आपको वो स्केटिंग एरिया दिखाने वाली हूँ। तो यही वो स्केटिंग ग्राउंड है, इसमें अक्सर लोग स्केटिंग करते रहते हैं और हाँ, जो करते वो काफी ट्रेंड होते हैं। सारी जिम बंद है, तो इसलिए देखिए इस पार्क में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं कि जिन लोगों को करने का मन हो वो जरूर कर सकते हैं। ये बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। और ये सामने में आपको पेटकोट डेस्क और बेस्ट बाय दिख रहा होगा। ये तीनों ही अलग अलग मॉल है। पेट को ये स्पेशली फॉर पेट्स है और जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, बेस्ट बाय जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। खासकर थैंकगिविंग के टाइम में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो हाँ, बेस्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। टारगेट है, ये हमारे इंडिया में जिस तरह से बिग बाज़ार होता है उसी टाइप से यहाँ पे टारगेट और वॉलमार्ट है। यहाँ तो पेट्स के लिए सैलून भी मिल जाता है। और ये यहाँ पे और एक कैफे है, होप कैफे। ये बेसिकली यहाँ का ही यहाँ पे डिश मिलता है, अमेरिकन खाना ही मिलता है।
इसका खाना बहुत ही टेस्टी होता है। पहले हम वीकेंड में आया करते थे, लेकिन हाँ फिलहाल अभी कोविड की वजह से ये सारे रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, तो अब तो कोई बात नहीं बनता, अब मैं यहाँ पे नहीं आया करती हूँ। और ये स्टारबक्स है, इसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। और ये मेरे सामने बिल्कुल टोटल वाइन है, ये वाइन का एक शॉप है जिसके अंदर वाइन की टोटल वैरायटीज मिलती है। और ये इसका चेन सिस्टम है, ये बहुत बड़ा मॉल के टाइप का, इसके अंदर सारी वैरायटियाँ मिल जाती है। ये देखिए यहाँ का लोकल बस है जो कि 24 आवर्स चलती रहती है। जाना बहुत ही पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर घर दिखता है जो कि इंडिविजुअल हाउस है। मैं जिसमें रहती हूँ वो अपार्टमेंट है, तो मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगी जो कि मुझे सच में पसंद है। शायद मैं आप लोगों को घर अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हाँ लेकिन सामने से देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। जैसे ये घर बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ ये घर देखने में बहुत ही सुंदर है। तो फाइनली आज का ब्लॉग हमारा खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ओके बाय।